हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती की जो काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पर चली हुई है। आपकी यहाँ पर एक लिस्ट जारी कर रखी है चंपावत डिस्ट्रिक्ट का, 13 अक्टूबर 2021 को लेटेस्ट है। इसमें आप लोग देखते हैं जो आपकी 30 पदों पर जो है बैकलॉग पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी आपका TT बेस पर। तो इसमें जो है आपको पता चल जाएगा कितने कितने इसकी मेरिट गई हुई है। और इस पर जो है 22/9/2021 को काउंसलिंग किया गया था, जिसमें यहाँ पर 9 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। और बाकी जो बैकलॉग के शेष पद हैं यानी कि 21 पदों पर, उसकी प्रतीक्षा सूची के आधार पर जो है 25/9/2021 को आयोजित वेबिनार में यहाँ पर जो है प्राप्त निर्देशन अनुसार यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है 22 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय चंपावत के सभागार में जो है 11 बजे यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो 22 अक्टूबर को आपकी यहाँ पर काउंसलिंग है 21 अभ्यर्थियों की। और यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक के पद पर जो चयनित अभ्यर्थी जो होंगे उनके लिए यहाँ पर जो है काउंसलिंग की जो प्रतीक्षा सूची है आपके यहाँ पर वेबसाइट में जारी कर दिया गया है। और अतः यहाँ पर कहा गया है कि स्कूल एजुकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं लिस्ट में नाम, और दो दो आपको जितने भी आपके समस्त प्रमाण पत्र हैं उन सभी की और ओरिजिनल प्लस आपको लेके आना है। और नहीं तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया हुआ है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है इसके साथ साथ यहाँ पर निर्देशक जो कि यहाँ पर अपलोड यहाँ पर करने के संबंध में ये भी अपलोड किया गया है। तो इसमें आप लोग लिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं नाम जो कि मेरिट देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गई हैं। आनंद प्रकाश का है जो कि यहाँ पर इनकी जो TT में नंबर आ रखे हैं 104 हैं, और ये जो है विज्ञान वर्ग से हैं तो इनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और ये जो है आपके BEd अभ्यर्थी की सूची है अनुसूचित जाति मैथ्स वालों के लिए है, ठीक है। और चारुल है और इनका 102 में सिलेक्शन हो रखा है मैथ्स से। और वहीं यहाँ पर BEd अनुसूचित जाति विज्ञान वर्ग से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गणेश लाल गड़िया है, इनका यहाँ पर सिलेक्शन हो रखा है 98 नंबर में। और यहाँ पर मेघा आर्या है, इनका 98 में इनका भी सिलेक्शन हो रखा है। ये अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं सबके सब। और नारायण कुमार यहाँ पर है देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञान वर्ग से, यहाँ पर 97 में इनका सिलेक्शन हुआ है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर DEd जो अनुसूचित जाति है अंग्रेजी में, उनका सिलेक्शन हो रखा है यहाँ पर कमल कुमार करके हैं, ये जो है यहाँ पर DEd अभ्यर्थी हैं, इनका यहाँ पर सिलेक्शन हो रखा है TT में 63 पर। उसके बाद यहाँ पर BEd अभ्यर्थी हैं अनुसूचित जाति अंग्रेजी का है, इनका सिलेक्शन हो रखा है ठीक है मनोज वेदिका, और इनका यहाँ पर 114 नंबर आया हुआ है। और वहीं DEd अभ्यर्थी अनुसूचित जाति हिंदी से इनका सिलेक्शन रखा है राम प्रताप का, और इनका जो यहाँ पर TT में 65 नंबर यहाँ पर है DEd अभ्यर्थी हैं। उसके बाद से DEd अभ्यर्थी अनुसूचित जाति सामान्य के हैं, इनमें जो है प्रकाश चंद्र हैं और सुनील राम हैं और यहाँ पर रणजीत सिंह हैं, इनके आप लोग TT में नंबर देख सकते हैं 78, 76, 74 इनका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो BEd अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के सामान्य विषय में, तो इनका सिलेक्शन हो रखा है सुरेश चंद्र का है, और ये जो है 71 नंबर इनका TT में है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये है आपका DEd सामान्य जाति जो कि गणित के हैं, हीरा करके नाम है इनका, सिलेक्शन हो रखा है, इनका जो TT नंबर है वो 92 है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो BEd अभ्यर्थी सामान्य जाति के मैथ्स में, उनका यहाँ पर प्रांशु सिंह, इनका कई और जगह से भी देख रहा था मैं नाम, और ये जो है इनका नंबर देखते हैं जो यहाँ पर TT में है, तो इनका जो है यहाँ पर 126 में सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं रेखा नोटियाल करके है, इनका यहाँ पर 123 में सिलेक्शन है मैथ से। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर BEd अभ्यर्थी सामान्य विज्ञान से, और रॉबिन सिंह चौधरी करके हैं, इनका यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो रखा है, और इनका जो TT में नंबर है 120 नंबर यहाँ पर है। और हेमचंद्र है, इनका यहाँ पर जो है 119 में सिलेक्शन हो रखा है, और ये सामान्य जाति से हैं। और नेहा पट है, इनका यहाँ पर 119 में सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद से यहाँ पर देखते हैं सामान्य जाति से यहाँ पर DEd हैं, और अंग्रेजी में इनका सिलेक्शन हो रखा है दीपक पाठक हैं, और 99 नंबर इनके TT में हैं। उसके बाद से यहाँ पर जो सिलेक्शन हो रखा है DEd सामान्य जाति का सामान्य विषय से हैं, और ये जो है कविता है और यहाँ पर श्वेता है, इनका सिलेक्शन हो रखा है, और 99 और 98 नंबर इनका आ रखे हैं। तो ये टॉप जितने भी 21 थे उनका सिलेक्शन लिस्ट है, और कुछ नाम एक आध मेरे ख्याल से पुराने लग रहे हैं, तो हो सकता है उसका यहाँ पर जो है फिर से वेटिंग लिस्ट निकलेगी, दो इसकी तीसरी वाली प्रतीक्षा सूची भी निकल सकती है, क्योंकि कुछ नाम ऑलरेडी हैं कुछ नाम जाएंगे नहीं, इस वजह से आपकी नेक्स्ट लिस्ट भी निकल सकती है इसमें।